अशोक गहलोत जो भाषण दे रहे हैं बार बार, और कृषि ऋण माफी हुई है इस पर भी राजस्थान वोट करेगा, तो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत का नेतृत्व इस पर भी वोट करेगा राजस्थान, और मोदी के जो जिस पराक्रम की बात करते हैं बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर भी और बातचीत में भी भाषणों में भी, उस पर भी राजस्थान वोट कर सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने मोर्चा लेना शुरू कर दिया बीजेपी से, जिस तरह के उनके भाषण सामने आए हैं, जिस तरह वो सीमा पर गए हैं जाकर नौजवान सेना के जवानों की पीठ थपथपाई, उनके साथ खाना खाया, नाश्ता किया जी। और जिस तरह वो बांग्लादेश की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये हमला जो केंद्र के नेता बोल रहे हैं उससे डिफरेंट लाइन पे है। तो मुख्यमंत्री मोर्चा लेंगे और हो सकता है कि बीजेपी के सामने एक सर्जिकल स्ट्राइक के कारण जो एक सुनहरे भविष्य की कल्पना आई है, या जो एक इंद्रधनुष उन्हें दिख रहा है आकाश में, हो सकता है अशोक गहलोत अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से और सचिन पायलट उनके साथ लग करके इसमें अच्छा खासा भेद पैदा कर सके। जी चलिए अनिल जी, फिलहाल इतना ही। सत्ता संग्राम में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर आपके लिए लेकर आएंगे राजनीति की नई खबरें और अनिल जी का उनके साथ विश्लेषण। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।